नमस्कार साथियों, बिहार दरोगा और पीपीएससी पीटी के इस लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 50 प्लस प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके बिहार दरोगा पीटी और मुख्य परीक्षा और बीपीएससी पीटी के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है क्योंकि सेब तो बहुत महंगा फल है, गरीब लोग खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन अमरूद जो है, अमरूद में सारा पौष्टिक तत्व मौजूद होता है और कम दाम में अवेलेबल होता है, इसीलिए गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो यूपी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। आपको हर गरीब परिवार में बकरी मिल जाएगी और बकरी का दूध जो होता है काफ़ी पौष्टिक तत्व होता है। बच्चे जब जन्म लेता है तो सबसे पहले बकरी का माँ के दूध के साथ साथ बकरी का दूध दी जाती है, तो बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जमुनापारी किसकी नस्ल है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जमुनापारी जो है ये बकरी का उच्चतम नस्ल है। जमुनापारी बकरी का उच्चतम नस्ल है और राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदुम में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मखदुम यूपी में है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और गुजरात का लाइफलाइन कहा जाने वाला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बता दूं, देशी रियासतों को एकीकरण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ में है? साथियों, पटना के गांधी मैदान के उत्तरी पश्चिमी छोर पर गांधी जी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। उत्तरी पश्चिमी छोर गांधी मैदान, जहाँ पर आपको उत्तरी पश्चिमी छोर के कॉर्नर पर बाहर में मगध महिला कॉलेज है और ठीक बगल में वहाँ पे सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल है और उसके ठीक पीछे में इंडिया गेट के तर्ज पर पटना में सभ्यता द्वार का निर्माण गंगा के ठीक बगल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? देखिए, हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। और सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एंडी पर्वतमाला, जो साउथ अमेरिका में है। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार बलित पर्वतमाला का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और ये चार भागों में बांटा गया है। हिमालय को चार भागों में, सबसे उत्तरी हिमालय को ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तरी हिमालय को ट्रांस हिमालय और सबसे दक्षिणी हिमालय को शिवालिक हिमालय, और बीच वाला दो बच गया। तो ट्रांस हिमालय एक नंबर पे, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके ठीक नीचे बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, उसके ठीक नीचे लघु हिमालय और ठीक सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। भारत में अधिकांश जो हिमालय का विस्तार है वो शिवालिक हिमालय का विस्तार है, जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी। हाजीपुर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी की संज्ञा दी गई है और वैसे इंडिया लेवल पर हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो बंगलुरु है। और हाजीपुर जो है वैशाली जिला का जिला मुख्यालय है। हाजीपुर किस फल के लिए मशहूर है? तो हाजीपुर जो है केला के लिए मशहूर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हाजीपुर किस फल के लिए मशहूर है, तो हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। और हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाली सेतु है महात्मा गांधी सेतु, उसकी लंबाई 5.575 किलोमीटर है, गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ में है? साइलेंट वैली
को मौन घाटी या शांत घाटी कहा जाता है। साइलेंट मतलब मौन या शांत होता है। साइलेंट घाटी, मौन घाटी या शांत घाटी केरल में है। ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला का एक पार्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, साइलेंट वैली कहाँ में है, तो साइलेंट वैली केरल में है। और जैव विविधताओं के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच है, जैव विविधताओं के यानी बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से पश्चिमी घाट पर्वतमाला का ये साइलेंट वैली काफ़ी रिच है। अगला क्वेश्चन है गुजरात का लाइफलाइन। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, गुजरात का लाइफलाइन, गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात होकर खंभात की खाड़ी में आलियाबेल और खारियाबेल के पास जाके गिरती है और ये भरंश घाटी से गुजरती है। दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली नदी को भरंश घाटी कहा जाता है और भरंश घाटी से गुजरने वाली नदी नर्मदा है और नर्मदा गुजरात का लाइफलाइन कहा जाता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर ही निर्मित है और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा पर है। नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और जबलपुर के पास में है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और मरुस्थलीय नदी की संज्ञा दी गई है। दामोदर को मरुस्थलीय नदी की संज्ञा दी गई है। बिहार की शोक की बात करें तो कोसी है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी अगर है तो कोसी है। कोसी सबसे अधिक मार्ग बदलती है और कोसी तिब्बत में गोसाई थान की चोटी से निकलती है, तिब्बत नेपाल बिहार होते हुए कटिहार में गंगा में जाकर मिल जाती है। तो बिहार का शोक कोसी हो गया, बंगाल का शोक दामोदर हो गया, ओडिशा का शोक ब्रह्मणी नदी हो गया और ओडिशा का लाइफलाइन जीवन रेखा के साथ साथ कहेगा किस नदी को ओडिशा का जीवन रेखा और शोक कहा जाता है, तो वो हो जाएगा महानदी। जो महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी मेकाले पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये छत्तीसगढ़ में है, इसकी ऊंचाई 1036 है और छत्तीसगढ़ जो है टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ है और 26वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला कितने जगह आयोजित होती है। दोस्तों कुंभ मेला 4 जगह आयोजित होती है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष पे लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष पे लगता है। चार सिटी में कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उसके बाद नासिक और उज्जैन। चार जगह कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे लगता है, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे लगता है और गोदावरी नदी किनारे नासिक में कुंभ मेला लगता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष पर लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष पर लगता है। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात किया जाए तो यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है और बहुत सारी नदी है। चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। कोटा शहर जो राजस्थान में है, कोचिंग के लिए मशहूर है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, वो कोटा जो है चंबल नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में यमुना तो गंगा की सहायक नदी हो गई और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। किन दो नदियों के बीच पंजाब हिमालय का विस्तार है। दोस्तों हिमालय को चार नदियों के आधार पर चार श्रेणी में बांटा गया है, चार भाग में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हम पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु से सतलज नदी के बीच में का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु से काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे
कुमायूं हिमालय कहा जाता है, मुख्य रूप से उत्तराखंड का पोर्शन है। और काली नदी और तिस्ता नदियों के बीच में जिस हिमालय का विस्तार है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तिस्ता से दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच जो विस्तार है उसे असम हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ है? खालसा पंथ का स्थापना सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था, 1699 में किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब 1666 में हुआ था और सिखों के दसवें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ में है? रानीगंज कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है और सबसे बड़ा कोयला खदान है और सबसे पुराना भी है। और कोल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की कोयला नगरी की बात करें तो धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, और कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभाकर रोग का उपचार क्या कहलाता है? एक्यूपंक्चर, सुई चुभाकर रोग का इलाज करना एक्यूपंक्चर कहलाता है। ये चाइना का देन है, चीन का देन है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ की कितनी आंखें होती है? केचुआ नेत्रहीन होता है, केचुआ में कोई आंख नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और भूमि में नमी को बरकरार मेंटेन रखता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इनके अध्यक्ष एनके सिंह जी हैं। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 के बीच है। अगला, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 आर्टिकल 117 में यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख है और धन विधेयक का 110 में उल्लेख है। तीनों महत्वपूर्ण है, वित्त आयोग 280, वित्त विधेयक 117 और धन विधेयक 110। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ में है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। इसका निर्माण सामंत विमल ने करवाया था। माउंट आबू काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और माउंट आबू से 4-5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ पर नक्की झील है, हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे CRPF ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना की सूची का विषय है? साथियों, जनगणना संघ सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 51 विषय है। ये तीनों सूची का उल्लेख 7वीं सूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया? डांडी मार्च 5 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू करके और डांडी तक नमक कानून को भंग करने के लिए किया गया था। और 385 किलोमीटर की यात्रा 79 यात्रियों के साथ महात्मा गांधी ने किया था और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया था। और उसी दिन से 6 अगस्त को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा जो जापान में है और जापान की मुद्रा येन है, जापान के हिरोशिमा शहर पर सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। अगर द्वितीय बार की बात करें, द्वितीय बार एटम बम का इस्तेमाल कब कहां में किया गया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर, और इसका नाम था फैटमैन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी का जो नेशनल लेवल का पहला मूवमेंट था, पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उन्होंने 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था। और चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के निकट चौरी चौरा नामक थाने में
आग लगा दिया गया। उसी से महात्मा गांधी दुखी होकर इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। तो ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और उसी दिन आंदोलन के पहले दिन बीजी तिलक साहब का मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ में? कई बार पूछा गया दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में है और शेख निजामुद्दीन का दरगाह दिल्ली में है। तीन है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, उसके बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में है और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस में है? करणी माता का टेम्पल बीकानेर में से चूहा का मंदिर भी कहा जाता है, तुलबी परिणा झेलम नदी पर है, यंग बंगाल आंदोलन के जनक हंडी विभिजन डेरोजियो है, 1826 में स्थापना हुआ था। गोल गुंबज आपको बीजापुर में है, गोल गुंबज बीजापुर में है। कोटा शहर चंबल नदी किनारे है, राजस्थान में है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए मशहूर है। कैनेबुक लॉ एस खान जो है ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटू सुधार 1909 में हुआ था और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था और 1919 में मॉन्टेगू संस्कोर सुधार हुआ था, इसमें सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और नवाबों का शहर लखनऊ है। दांडी मार्च पहले चर्चा कर चुका महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर वन जीव अभ्यारण ये राजस्थान में है, केवलादेव भी राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेर दुर्ग में हुआ था, मृत्यु इनका 1680 में हुआ था। कुचिपुड़ी आंध्रा का लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का है, ओडिसी ओडिशा का है, गरबा डांडिया गुजरात का है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब कहा जाता है। धन्य शासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था और अष्टाध्यायी रचनाकार पाणिनी है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ में है, अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, केगा आपको कर्नाटक में है, नरोडा उत्तर प्रदेश में है, रॉबर्ट भाटा राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के नैनीताल जिला में है, इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है और ये भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करती थी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है, ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कौन जारी किया है? हिंद यूनानी शासक जारी किया है। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का होगा तो कुषाण होगा और सर्वाधिक मात्रा में सोना का सिक्का होगा तो गुप्ता होगा। सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण और सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का गुप्ता। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है, ये अफ्रीका महादेश में बहती है। सबसे बड़ी नदी की बात होगी तो अमेजन है। सोमेश्वर की चोटी पश्चिमी चंपारण में है और बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। बिहार का सबसे लंबी नदी गंगा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी को मेंटेन रखे होंगे, आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और लुसेंट वन लाइनर, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, एसपीडी समान विज्ञान और एसपीडी समान ज्ञान, ये चार पुस्तक को पढ़िए। करेंट के लिए समान ज्ञान या प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए।